मेट्रो अभी आ रही है। तो गाइस मैंने अभी चेकआउट कर दिया है और आज नाइट को ही निकलना है बैंगलोर। तो आज कुछ मीटिंग्स है और मीटिंग ख़त्म होने के बाद नाइट को बस लगभग 10 या 10:30 बजे होंगी। अभी तक मैंने तो टिकट लिया नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज रात ही बैंगलोर निकलूँगा, तो बैंगलोर का टिकट अभी लिया नहीं है मैंने, बुक नहीं किया है। तो मिल ही जाती है लगभग हैदराबाद टू बैंगलोर जाने के लिए। अगर आज नाइट में निकलना है आपको तो मॉर्निंग या आफ्टरनून तक आप टिकट ले लोगे तो आपको स्लीपर एसी स्लीपर में आराम से मिल जाती है। तो आज का टिकट लेंगे नाइट का और फिर यहाँ से निकल जाएंगे बैंगलोर की ओर। तो चेकआउट मैंने कर दिया है रुक्मिणी रिवेरा होटल का और ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। चलिए अब चलते हैं ऑफिस की ओर। हे गाइस गुड इवनिंग। तो क्या हालचाल है आप लोगों का? आई होप गाइस आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने मॉर्निंग में बताया था कि हमने होटल चेकआउट कर लिया, हमारे जो कंपनी के कलीग्स है और मैंने भी मॉर्निंग में ही होटल चेकआउट कर लिया था। बट जो हमारी लगेज है वो हम होटल में ही छोड़ के आए थे और मेरे साथ एक और बंदा है, एक और हमारा कलीग है जो मेरे साथ बैंगलोर जा रहा है। तो अभी लगभग 10:30 को हमारा बस है यहाँ से हैदराबाद टू बैंगलोर के लिए। तो अभी हम बाई
मेट्रो जाएंगे बस स्टैंड के पास, और फर्स्ट टाइम मैं हैदराबाद की मेट्रो को यूज करने जा रहा हूँ और आप लोगों को भी दिखाऊंगा। तो अभी लकड़ी का पुल जो मेट्रो स्टेशन है, लकड़ी का पुल मेट्रो स्टेशन पे जाएंगे और वहाँ से फिर डायरेक्ट जाएंगे बस स्टॉप, और वहाँ से बस से फिर डायरेक्ट बैंगलोर की हो। तो चलिए चलते हैं। तो अभी रुक्मिणी रिवेरा में हूँ और होटल चेकआउट हो गया था पहले ही मॉर्निंग में। तो फिर नेक्स्ट मंथ आना है हैदराबाद। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और जब भी आता हूँ यहाँ पे रुक्मिणी रिवेरा में तो इनका सर्विस भी बहुत अच्छा रहता है। और ये हमारे रिसेप्शनिस्ट हैं। तो एक्चुअली मैंने रिकमेंड, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैंने रिकमेंड किया, आई हैव रिकमेंडेड टू माय व्यूअर्स दैट इफ़ यू आर कमिंग टू बैंगलोर हैदराबाद एंड इफ़ यू आर नियर बाई टू लकड़ी का पुल मेट्रो स्टेशन देन यू मस्ट कम हियर। लकड़ी का पुल के पास रुक्मिणी रिवेरा होटल है और रेस्टोरेंट भी है। रेस्टोरेंट नेम इज द्वारका रेस्टोरेंट नेम है एंड होटल नेम इज रुक्मिणी रिवेरा। वैसे मैंने मॉर्निंग में भी बता चुका था मैं, बट मैंने सोचा कि यहाँ के जो मेन जो मैनेजर है उनके सामने भी मैं एक बार बता दूँ। तो इफ़ यू आर कमिंग एनी टाइम यू विल फाइंड हिम। योर नेम? गुड नेम? शिव कुमार। एक्चुअली आई एम सीइंग यू फर्स्ट टाइम। तो बहुत ही अच्छा सर्विस रहता है होटल में, तो आप जरूर आए अगर आप लकड़ी का पुल हैदराबाद के पास आते हैं। तो लकड़ी का पुल इज द वेरी फेमस एरिया राइट हियर इन हैदराबाद। लकड़ी का पुल जो है वो सेंटर है, हैदराबाद का सेंटर है। तो चलो मैं वैसे भी जहाँ भी जाता हूँ तो बताता हूँ वहाँ की जो स्पेशलिटी है। तो ये भी एक स्पेशलिटी है यहाँ की, रुक्मिणी रिवेरा के बारे में मैंने बताया। तो चलिए चलते हैं अभी लकड़ी का पुल मेट्रो स्टेशन की तरफ। तो गाइस कल की तरह आज भी हम आए हैं मुगल रेस्टोरेंट में, और जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि लास्ट टाइम हमने वेज बिरयानी एंड चिकन बिरयानी टेस्ट किया था यहाँ का मुगल रेस्टोरेंट का जो लकड़ी का पुल के पास ही है। तो आज भी हम लोग आ गए, चूँकि हम लोग बैंगलोर जा रहे हैं। तो बैंगलोर जाने से पहले मैंने सोचा कि यहाँ पे आके मुगल रेस्टोरेंट में आके थोड़ा वेज बिरयानी, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ और मेरा जो कलीग है फ्रेंड, तो हिज नेम इज श्रेयस, ही इज़ फ्रॉम मैंगलोर। तो भाई अपना एक दोस्त मिल गया मैंगलोर का, वैसे मैं मैंगलोर हमेशा जाते रहता हूँ, तो एक मैंगलोरियन भी मिल गया, एक लोकलाइट है वहाँ का, तो मुझे बहुत खुशी है। तो कभी कभी आप हमारे वीडियो में देखोगे इनको भी, क्योंकि हमारे टीम से ही है। तो हाँ, तो मैं बोल रहा था कि यहाँ का जो वेज बिरयानी है, आप कभी भी लकड़ी का पुल के पास आते हो तो आप मुगल रेस्टोरेंट में आके एक बार यहाँ का वेज बिरयानी, चिकन बिरयानी और वेज बिरयानी यहाँ का बहुत ही फेमस है, यही आपको मिलेगा यहाँ पे, तो ज़रूर एक बार टेस्ट कीजिए। चलिए अभी वेज बिरयानी आ चुका है और इनका चिकन भी आ गया। वेज वालों के लिए वेज बिरयानी, और चिकन बिरयानी नॉन वेज वालों के लिए चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी है ना। तो चलिए अभी आते हैं और उसके बाद फिर मेट्रो से होते हुए, जैसा कि मैंने बोला कि मेट्रो से जाएंगे बस स्टैंड और बस स्टैंड से फिर बैंगलोर। टुमारो गणेश चतुर्थी है और टुमारो 31st August है। तो अभी जा रहा था यहाँ से, तो गणेश जी का बहुत ही प्यारा मूर्ति है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ।
गणेश जी को भी अपने वीडियो में ले लिया जाए। और गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को मेरे तरफ से एक दिन पहले एडवांस में आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। जय गणेश जी। अभी फिलहाल लकड़ी का पुल मेट्रो स्टेशन के अंदर जाते हुए और मेरे साथ जो मेरा कलीग है वो बहुत पीछे है, मैंने सोचा कि पीछे वाला ही है। तो चलिए देखते हैं, हैदराबाद का भी मेट्रो देख लेते हैं। लाइफ में फर्स्ट टाइम हैदराबाद के मेट्रो से जा रहे हैं। तो अभी टाइम हो चुका है 9:13 और हमारी बस है दस बजे। और यहाँ से ठीक 3 स्टेशन बाद हम लोगों को उतरना है एमजी स्टेशन। तो अभी मेट्रो का वेट करते हुए और अभी लगभग 6 मिनट है, तो 6 मिनट के बाद मेट्रो आएगी। जैसा कि बैंगलोर में भी 6 मिनट 7 मिनट 5 मिनट 4 मिनट 3 मिनट ऐसे दिखता है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही सिस्टम है। और बैंगलोर का मेट्रो और यहाँ के मेट्रो में कोई फ़र्क मुझे लगा नहीं। मैंने सोचा कि चलो यार यहाँ का भी मेट्रो एक बार टेस्ट कर लिया जाए, टेस्ट क्या मतलब कि यूज कर लिया जाए, जाके देख लिया जाए। तो सेम ही मेट्रो है, तो हैदराबाद का, चेन्नई का एंड बैंगलोर का, 3 जगह का मेट्रो मैं अभी यूज कर चुका हूँ। दिल्ली मेट्रो अभी तक यूज़ नहीं, दिल्ली मेट्रो भी एक बार यूज़ किया एक बार, कुछ ऑफिशियल वर्क से ही गया था करीब 3-4 साल पहले दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली का दिल्ली एनसीआर की तरफ जाता है फ्रॉम द एयरपोर्ट, जब मैं दिल्ली गया था। तो चलिए अभी वेट कर रहे हैं, अभी मेट्रो आएगी और ठीक 3 स्टेशन बाद एक MGPS करके एक मेट्रो स्टेशन है, तो वहाँ पे रुकेंगे। तो अब 3 मिनट रह चुकी है हमारी मेट्रो आने में, तो ठीक 3 मिनट के बाद मेट्रो आएगा और फिर यहाँ से फिर रवाना हो जाएंगे। तो राइट नाउ आई एम ऑन लकड़ी का पुल मेट्रो स्टेशन। तो मेट्रो अभी आ रही है, यही है हैदराबाद की मेट्रो। चलिए अभी अंदर चलते हैं, बहुत ही रश है। तो अभी हम MGBS तो अभी हम MGBS मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं और जा रहे हैं बस स्टॉप की तरफ जहां से हमारी स्लीपर बस है। तो गाइस दिस इज आवर बस, तो KSRTC, तो इसी बस से अभी बैंगलोर जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो यहां पे अभी डिस्प्ले हो रहा है बेंगलुरु। तो चलिए अब बेंगलुरु की ओर चलते हैं। हैदराबाद का अपना सफ़र 2 दिन का रहा और बहुत ही अच्छा रहा, फिर से नेक्स्ट मंथ आएंगे। तो गाइस वो अपनी बस लगी है वहाँ पे।
तो गाइज इट वॉज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस कमिंग टू हैदराबाद फ्रॉम बैंगलोर टू हैदराबाद और बहुत ही अच्छा लगा। जो भी दो दिनों के अंदर मैंने जो छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स ली है तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। तो कभी और मौका मिलेगा तो मैं हैदराबाद आके हैदराबाद का सीनेरियो जरूर दिखाऊंगा आप लोगों को, टूरिस्ट प्लेसेस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के हमारे वीडियो को देखने की कोशिश की है, गुजारिश की है। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग।